नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं कोकोनट और व्हीट फ्लावर बिस्किट की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरा। इस कटोरे के मेज़रमेंट से मैंने लिया है एक कटोरा मैंने लिया है व्हीट फ्लावर और एक कटोरा ही मैंने लिया है मैदा। और हाफ कटोरा मैंने लिया है चीनी और लूंगी मैं 40 ग्राम बटर। सबसे पहले मैं इस आटे को इस छन्नी के अंदर डालकर छान लूंगी। उसी कटोरे के मेज़रमेंट से मैं अब डाल दूंगी एक कटोरा कोकोनट। इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं सबसे पहले इस छोटे से ग्राइंडर जार के अंदर बटर चीनी डालूंगी। अगर आप चीनी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं डाल दूंगी बटर। अब इन सबको अच्छी तरीके से मैं लगभग आधा मिनट तक पीस कर तैयार कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को बटर और शुगर को आटे के साथ अच्छी तरीके से मैं मसल कर तैयार कर लूँगी। मैं अब मैं सबको एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार करूंगी। मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। इसका डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। रोटी से हल्का सा टाइट होना बनाना है। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। तब तक मैं ओवन की तैयारी करती हूँ। मैं इसे पकाने की मैं किस तरीके से इसे पकाऊंगी वो सब कुछ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। कोकोनट बिस्किट को बनाने के लिए मैं ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं कढ़ाई में इस बिस्किट को बनाऊंगी। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है नमक। ये रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, आप कोई सा भी टाटा सॉल्ट, मेरे पास यही था इसलिए मैंने यही यूज किया है। नमक डालने के बाद मैं डाल दूँगी एक बर्तन और इसके ऊपर मैं इस प्लेट को डालूंगी। अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए। इसके बाद मैं इसे दूसरे प्लेट से ढक के तब पकाऊंगी मैं। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं बिस्किट को बनाकर रख लेती हूँ। मैं इसको गर्म होने देते हैं। हल्का सा चपटा करने के बाद मैं इसे कोकोनट के साथ एक साइड में कोकोनट लगा लूँगी और दूसरे साइड में ऐसे ही रहने दूँगी। मैं इसे इस तरीके से बना के मैं प्लेट के अंदर रख दूँगी। इस तरीके से मैं सभी डो का छोटा छोटा गोला तैयार करके
डालूंगी मैं इस तरीके से। फिर से बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने बिस्किट्स को बनाकर रेडी कर लिया हुआ है, प्लेट में लगा दिया हुआ है। अब ये होममेड ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप हर बिस्किट के बीच में थोड़ा स्पेस देकर दूसरे बिस्किट को रखें, ताकि ये, क्योंकि ये पकने के बाद हल्का फूलता है, तो थोड़ा सा स्पेस उसके बीच में होनी चाहिए। और ये होममेड ओवन भी गर्म होकर रेडी हो चुका है। मैं इस प्लेट को कपड़े की सहायता से उतार लूँगी। यह ओवन जो है गर्म हो चुका है, बिस्किट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चलिए मैं इस बिस्किट को इस ओवन के अंदर डाल देती हूँ। मैं केयरफुल होकर डालें, क्योंकि ये बहुत गर्म है, हाथ बचा के। अब मैं इस प्लेट को, इसके बिस्किट के ऊपर से मैं प्लेट को रख के ढक दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा। अब मैं इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के तक इसे ऐसे ही पकने दूंगी। 6-7 मिनट के बाद मैं एक बार बीच में चेक कर लूंगी कि ये पका है या नहीं। अगर नहीं पका होगा तो मैं 1 से 2 मिनट तक और पकने दूंगी। 6 से 7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस बिस्किट को पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ प्लेट उठा के। बी केयरफुल, ध्यान से उठाएं इसको। आप देख सकते हैं बिस्किट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये जो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। और बाकी के बचे हुए डो का भी मैं बिस्किट बनाकर रेडी कर लेती हूँ। प्लेट के ठंडा होने के बाद मैंने इस बिस्किट्स को निकाल के दूसरे प्लेट में सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी बिस्किट है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार बनाएं और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के महीनों खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स की रेसिपी है, होममेड है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस बिस्किट्स को बना कर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये बिस्किट्स की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।